Hello everyone, welcome to the second lecture of entomology on my YouTube channel Go for Agriculture. तो गाइज हमने जो एंटोमोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो कि एंटोमोलॉजी के बेसिक्स में आती हैं, जैसे पूरे एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स को हम कहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है, उनका पोजीशन कहाँ है. तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन यानी बॉडी वॉल किस चीज़ से बना होता है और उसके कैरेक्टर्स के बारे में. दूसरा, हम इंसेक्ट्स के एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे. एंडोस्केलेटन क्या होता है, जैसे ह्यूमंस के केस में जो एंडोस्केलेटन होता है जो बॉडी को अंदर से सपोर्ट करता है वो क्या होता है, बोन्स होता है. वैसे इंसेक्ट्स के केस में जो बॉडी के अंदर बोन्स तो होता नहीं है तो वो किस चीज़ से सपोर्टिंग होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी बॉडी वॉल होता है वही इन्वेड कर जाता है अंदर की तरफ, ठीक है. तो इनके हम बारे में आज पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर को. तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें वो है इंसेक्ट्स बॉडी वॉल, ठीक है, यानी एक्सोस्केलेटन. इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है. जैसे कोई भी एनिमल है वो उसमें जो उसका जो ग्रोथ है वो तीन तरह के सेल से होता है, ठीक है, या तो एंडोडर्मल सेल्स, या तो मेसोडर्मल, या फिर एक्टोडर्मल. तो इंसेक्ट का जो बॉडी वॉल है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है. ये जो एक्सोस्केलेटन होता है इसका कुछ कैरेक्टर है, ठीक है. मेन तो हमने क्या जाना कि एक्सोस्केलेटन क्या करता है, बाहर से सपोर्ट करता है, तो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है, ठीक है. ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में अगर हम चीज़ें देखें तो इसके कैरेक्टर्स क्या क्या आएंगे. जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, लाइट वेट होता है. इससे इंसेक्ट को क्या होता है, इसका बॉडी जो इंसेक्ट का होता है वो हल्का ही रहता है, इनको उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है. बहुत स्ट्रांग होता है यानी इसका प्रोटेक्टिव फीचर हो गया. और इंसेक्ट्स के बॉडी ऑर्गन के हिसाब से ये क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, यानी लेग पे भी वो चीज़ें होंगी, ठीक है, उनका जो सेंट्रल पार्ट थोरैक्स होगा वहाँ पे भी ये चीज़ें होंगी. तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके ये इनका शेप जो हो जाता है मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है. तो अगर हम इंसेक्ट्स के बॉडी वॉल के बारे में बात करें तो बॉडी वॉल दो पार्ट में बना है. पहला नॉन सेलुलर जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं. और दूसरा अंदर की तरफ यानी जो नॉन सेलुलर है उसके नीचे होता है, ठीक है. बाहर से हम अंदर की तरफ देखेंगे तो बाहर सबसे बाहर होगा नॉन सेलुलर और उसके अंदर होगा सेलुलर लेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस. तो नॉन सेलुलर और सेलुलर का मतलब क्या होता है, नॉन सेलुलर मतलब वहाँ पे होता है कि उनका जो बॉडी लिम्फ है यानी जो बॉडी फ्लूइड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, ठीक है. ऐसे सेल्स या फिर ऐसा पार्ट नॉन सेलुलर तब कहलाएगा जब उनका जो बॉडी फ्लूइड है उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ठीक है. और जो सेलुलर लेयर होता है जो कि एपिडर्मिस है वो बॉडी लिम्फ के यानी उनका जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उनके कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है. और जब हमने ये बोला कि जो सेलुलर लेयर है वो क्या होता है, किससे कांटेक्ट में होता है, बॉडी फ्लूइड के, तो बॉडी फ्लूइड के नीचे जो होता है, मतलब जो सेल्स के जो नीचे होता है वो एक मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर सेल्स अपने आप को ग्रो कराते हैं, ठीक है. यानी हम कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक जो है प्लेटफॉर्म देता है सेल्स को, सेलुलर लेयर को ग्रोथ करने का, ठीक है. तो अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे नीचे हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेलुलर लेयर और उसके ऊपर नॉन सेलुलर लेयर. यानी अगर मैं बोलूं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, उनका बॉडी फ्लूइड रन करता रहता है जिसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है. उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सेलुलर लेयर यानी एपिडर्मिस, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्यूटिकल यानी नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है. तो बॉडी वॉल के बारे में अगर मैं एक बोलूं तो क्या हो जाएगा, क्यूटिकल प्लस एपिडर्मिस प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन. आया बात समझ में, ठीक है. तो जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस यानी सेलुलर लेयर, सेलुलर लेयर का मेन फंक्शन क्या है, हम इन चार टॉपिक्स के अंदर देखेंगे. पहला क्यूटिकल सिक्रेशन, क्यूटिकल का क्या है, नॉन सेलुलर लेयर, यानी जो सेलुलर लेयर है वो नॉन सेलुलर लेयर को बनाता है, क्यूटिकल को बनाता है. दूसरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, मतलब जो पुराना क्यूटिकल हो जाएगा. हमने देखा है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपने स्किन को, स्किन नहीं बोल सकते, अपने आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, वो छोड़ देते हैं. जैसे हमने सांप के केस में देखा है, बहुत सारे इंसेक्ट्स के केस में देखा है, प्रेइंग मेंटिस हो गया, ग्रास ऑपर हो गया, इन सब के केस में हमने क्या देखा है कि अपने वो जो ओल्ड जो बॉडी वॉल होता है उनको छोड़ देते हैं. तो जो छोड़ देते हैं तो उनको डाइजेस्ट करना पड़ता होगा, डीअटैच करना पड़ता होगा बॉडी वॉल से. तो ये भी फंक्शन किसका है, एपिडर्मिस का है. थर्ड वुंड रिपेयरिंग, अगर उनका कोई भी टिश्यू टूट जाता है, फट जाता है, कुछ भी, ठीक है, घाव हो जाता है उनके बॉडी में, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने का भी काम क्या होता है, एपिडर्मिस का होता है. और लास्ट जो है गिव्स सरफेस लुक. सिंपल सा बात है कि ये क्या है, आउटर बॉडी है और आउटर सेल्स है, तो ये बॉडी को एक शेप देते हैं,
ठीक है। तो चार चीज़ें यहाँ पे है कि एपिडर्मिस क्या है, पहला क्यूटिकल का सिग्रेशन करता है यानी जो नॉन सेलुलर लेयर है उसका, दूसरा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, थर्ड वुंड रिपेयरिंग, एंड चौथा जो है गिव सरफेस लुक, यानी कह सकते हैं कि सरफेस को फॉर्म करता है। अब हम बात करें क्यूटिकल के बारे में, हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, क्यूटिकल के बारे में जो कि नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या है, इट इज़ द आउटर, सबसे बाहर वाला है नॉन सेलुलर लेयर कंप्राइजिंग ऑफ थ्री सब लेयर्स। जो क्यूटिकल है वो भी तीन लेयर्स के अंदर है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा, अभी मैं फिगर से इस चीज़ को दिखाऊंगा, ठीक है, वो तीन लेयर, तीन सब लेयर्स कौन कौन से हैं, इंडोक्यूटिकल, एक्जोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। इंडोक्यूटिकल सबसे नीचे, उसके ऊपर एक्जोक्यूटिकल, और सबसे बाहर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, एपिक्यूटिकल होगा, ठीक है। तो एंडोक्यूटिकल क्या होता है, अगर हम बात करें तो सबसे मोटा लेयर होता है, मतलब क्यूटिकल भी जो है तीन लेयर में है, और तीन लेयर में भी सबसे मोटा जो होता है वो होता है एंडोक्यूटिकल, अदर लेयर से अगर हम कंपेयर करें तो। ये जो लेयर बना होता है वो काइटीन और अर्थ्रोपोडीन से बना हुआ है। ये दो क्या है, ये दो प्रोटीन्स हैं, काइटीन एंड अर्थ्रोपोडीन, ठीक है। ये जो लेयर होता है वो कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया है कि एक्जोक्यूटिकल का या फिर एक्जोस्केलेटन का जो फीचर मैंने बताया ना, फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये सारा जो करेक्टर आता है वो एंडोक्यूटिकल की वजह से आता है, ठीक है। ये जो होता है थिकेस्ट लेयर होता है। दूसरा, उसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो आएगा फिर एक्जोक्यूटिकल, इट इज़ द आउटर लेयर विच इज मस्ट थिकर विद द कंपेरिजन टू एपिक्यूटिकल। जो एपिक्यूटिकल है उससे ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, लेकिन एंडोक्यूटिकल से पतला ही होगा, ठीक है। इसमें जो मेन प्रोटीन्स हैं वो होंगे काइटीन और दूसरा है स्क्लेरोटीन, ठीक है। और ये जो लेयर होता है वो, और ये जो लेयर होता है वो क्या होता है, डार्क होता है और रिजिड होता है, ठीक है। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था रिजिड प्रॉपर्टी, वो आता है एक्जोक्यूटिकल की वजह से, ठीक है। और जो सबसे ऊपर लेयर होता है वो होता है एपिक्यूटिकल, ठीक है। एपिक्यूटिकल क्या होता है, इट इज़ द वेरी थिन लेयर, ठीक है। इसमें पोर कैनाल्स पाए जाते हैं, पोर कैनाल्स का मतलब क्या हुआ, इसमें छेद पाए जाते हैं जिनमें से केमिकल रिलीज आउट होता है, जो भी जो सेलुलर लेयर है नीचे, ठीक है, वो जो बनाएगा, जो भी एंजाइम बनाएगा या फिर किसी चीज़ का सिक्रेशन करेगा, वो इन्हीं पोर्स की वजह से बाहर आते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो हमारा एपिक्यूटिकल है वो आगे जाके डिपॉजिट होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है, इनके हम डायग्राम को देख लेते हैं कि इनका अरेंजमेंट कैसे है जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है उसमें, ठीक है। तो ये रहा इसका डायग्राम। अगर हम नीचे से अगर ध्यान दें तो नीचे से मैंने सबसे क्या बताया था, सेलुलर लेयर होता है, ठीक है। सेलुलर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये रहा जो इसके सेल्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो क्या आएगा, इंडोक्यूटिकल जो थिकेस्ट लेयर होता है, और उसके बारे में मैंने क्या बताया, लाइट कलर, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एक्जोक्यूटिकल जो इससे थोड़ा सा पतला होता है, और ये हो जाता है डार्क और रिजिड। और सबसे ऊपर जो पतला सा लेयर है वो क्या हो जाता है, एपिक्यूटिकल। इसमें क्या बताया गया, पोर कैनाल्स होता है, और यही पोर कैनाल्स जो है वो अंदर ये जो सेल्स हैं इनका सिक्रेशन को क्या ले जाता है, बाहर की तरफ ले जाता है, और बाहर एपिक्यूटिकल का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी एंजाइम्स जो यहाँ से सिक्रीट होकर बाहर निकलता है इस पर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना, सबसे नीचे जो होगा, देखो ये जो सेल लेयर है इसके नीचे आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो डर्मल ग्लैंड जहाँ लिखा हुआ है, फिर आएगा सेलुलर लेयर, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या आएगा, इंडोक्यूटिकल, फिर एक्सोक्यूटिकल और फिर एपिक्यूटिकल। और ये जो पतला सा जो लेयर है एपिक्यूटिकल, इसमें भी पाँच पार्ट होते हैं, ठीक है, इनका अलग अलग कैरेक्टर है। अब देखो मैंने यह क्या बताया कि जो क्यूटिकल लेयर है वो तीन सब लेयर्स में बने होते हैं, इंडोक्यूटिकल, एक्जोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। तो इंडोक्यूटिकल के बारे में मैंने बता दिया, एक्जोक्यूटिकल बता दिया, और थर्ड है एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल पांच लेयर्स में फिर डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे इनर वैक्स लेयर होता है, ठीक है, जिसमें वैक्स फिलामेंट बोलेंगे। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो आउटर लेयर होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो क्यूटिकुलिन होता है, ठीक है, जो नॉन काइटिनस होता है। उसके ऊपर जाएंगे वैक्स लेयर, और सबसे बाहर जो लेयर होता है सीमेंट लेयर होता है। सबका अलग अलग क्या है, कैरेक्टर है। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सीमेंट लेयर। उसके अंदर जो है वैक्स लेयर है, उसका फीचर क्या है, वैक्स लेयर जो है क्यूटिकुलिन लेयर को सीमेंट लेयर से अटैच करता है, ठीक है। और फिर ऊपर में जो है आउटर और इनर लेयर। तो देखो अभी मैंने कुछ प्रोटीन्स के नाम बताए थे, जैसे काइटीन, अर्थ्रोपोडीन, स्क्लेरोटीन,
ठीक है, इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। जो काइटीन है मेन कंपोनेंट होता है क्यूटिकल का, जो एक पॉलीमर है NAG एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का, ठीक है, इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। इसीलिए बॉडी का जो जो इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, बाहर से चमकता होता है, जो कि हमें ऐसा एक लगता है कि ऑयल का एक लेयर फॉर्म है बाहर में। वो मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है काइटीन का। दूसरा होता है आर्थ्रोपोडीन, ये एक सर्कुलर प्रोटीन लेयर है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। जो काइटीन था वो क्या था, इनसॉल्युबल था, और दूसरा जो आर्थ्रोपोडीन है वो क्या है, सॉल्युबल है। थर्ड है स्क्लेरोटीन, ये भी एक सर्कुलर प्रोटीन है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। और लास्ट है रेजिलिन, ये भी एक सर्कुलर प्रोटीन है, इट इज़ द इलास्टिक प्रोटीन, ठीक है। ये जो है क्यूटिकल को क्या करता है, इलास्टिक नेचर देता है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्क्लेरिट्स। अभी मैं स्क्लेरिट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, और मैं बता देता हूँ स्क्लेरिट्स क्या होता है, कि जो एक्सोस्केलेटन है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग स्क्लेरिट्स बोलते हैं। अगर वो बॉडी जो इंसेक्ट का बॉडी उसके वेंट्रल साइड होगा तो उसको हम लोग कुछ और बोलेंगे, और अगर डॉर्सल साइड होगा तो उसको कुछ और बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में और भी डिटेल आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, रेजिलिन कहाँ कहाँ होता है, जैसे विंग्स के, जो इंसेक्ट का जो विंग है वहाँ पे ऐसे फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स का फंक्शन होता है, ठीक है, विंग्स को बार बार ओपन करना, क्लोज करना वहाँ पे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोस्केल्टन। इंडोस्केल्टन क्या है, जो बॉडी को अंदर से सपोर्ट करे, ठीक है। तो इसका अदर फंक्शन क्या है, ये मसल्स अटैचमेंट में हेल्प करता है। जो इंसेक्ट का जो मसल है उसको अटैच होने में, जैसे हमारे बोन्स पे मसल अटैच होता है, वैसे इनके इंडोस्केल्टन में क्या होता है, ये जो इंडोस्केल्टन है इसका, इसी पे मसल अटैच होता है, ठीक है। ये सर्कुलर ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल में हेल्प करता है। तो इंडोस्केल्टन भी दो तरीके का हो सकता है, एक हॉलो और दूसरा सॉलिड। अगर हॉलो इंडोस्केल्टन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोडीमी, और अगर सॉलिड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एपोफाइसिस। ये दो वर्ड याद रखना, एपोडीमी और एपोफाइसिस। अगर हॉलो हुआ तो एपोडीमी और सॉलिड हुआ तो एपोफाइसिस। अगला आता है क्यूटिकुलर अपेंडेजेस, मतलब बॉडी का जो अपेंडेज है, अपेंडेज मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ, वो कौन कौन से हैं। तो वो भी दो तरीके के होते हैं, नॉन सेलुलर और दूसरा सेलुलर। नॉन सेलुलर मतलब क्या हो गया, नो एपिडर्मल एसोसिएशन, मतलब उसके ऊपर एपिडर्मिस होगा ही नहीं। जैसे थॉर्न इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट्स में क्या होता है, थॉर्न होता है, तो नॉन सेलुलर होता है, ठीक है, उसमें कोई बॉडी फ्लूइड नहीं आएगा। और दूसरा सेलुलर होता है, जिसमें एपिडर्मल एसोसिएशन होता है, यानी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मेन पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में, मतलब जो सेलुलर लेयर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लेयर के बारे में। तो यूनिसेलुलर लेयर क्या होगा, जैसे एग्जांपल बॉडी हेयर्स फ्लाइज के केस में, स्केल्स बटरफ्लाइज के केस में, और सीटा आगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सीटा क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है इंसेक्ट बॉडी पे, ठीक है। तो ये जो है यूनिसेलुलर लेयर के एग्जांपल हैं, ठीक है। दूसरा मल्टीसेलुलर लेयर क्या हो जाएगा, स्पर और स्पाइंस। स्पर क्या होता है, मूवेबल पार्ट होता है, अपेंडेज होता है इंसेक्ट का, और स्पाइन जो होता है इमूवेबल होता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। इस तरह के और लेक्चर्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गो फॉर एग्रीकल्चर। और किसी को भी इस लेक्चर के बारे में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो मेरे Instagram चैनल पे आके मुझसे पूछ सकता है। और इस लेक्चर की जो PDF है या फिर PPT है वो आपको नीचे दिए गए लिंक पे मिल सकती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।